सत श्री अकाल सारयां नूं, मैं डॉक्टर सिमरनप्रीत कौर सेंटर फॉर वन हेल्थ गुरु अंगद देव वैटनरी अते एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी विच बतौर सहयोगी प्रोफेसर काम कर रही हाँ। सो ब्रूसेलोसिस एक जूनोटिक बीमारी है। सो जूनोटिक का मतलब कि यह बीमारी पशुओं तो मनुखों में कुदरती तौर पर फैलती है। सो जे कोई पशु पीड़ित हो बीमारी जे आप प्रिकॉशन ना लीए तो पशु पालक या वैटनरी डॉक्टर भी फैल जाती है। सो एक ब्रूसेला नामक जरासीम है जिहड़ा कि बीमारी नूं कॉज करता है। ये जिहड़ा जरासीम या बैक्टीरिया है ये दूषित भोजन या दूषित पानी के थ्रू पशुओं के फैलता है या जिहड़ा कोई पशु ऑलरेडी पीड़ित होवे उहदे तरल पदार्थां राहीं ये दूजे पशुओं में फैलती है। सो जदों भी कोई ब्रूसेलोसिस किसी गर्भ होए पशु नूं हुंदी है किसी भी प्रैगनेंट गांव या मझ नूं हुंदी है तां उह तीजी तिमाही विच 6 to 8 महीनों के उसका गर्भपात हो जाता है। इस तो अलावा प्रमुख लक्षण है कि उसकी जेब नहीं पैंदी ते दूध की पैदावार भी घट जाती है। सो जदों भी 6 to 8 महीनों के विच या उस तो उपर किसी भी पशु कोई भी पशु टूट जाता है तो आप ब्रूसेलोसिस बारे सोच सकते हैं। सो जे कोई भी किसी भी तरह की अबॉर्शन थोड़े फार्म में होती है तो सब तो पहला आप ग्लव्स पा के डबल स्लीव पा के ता ही कुए हुए बच्चे या गर्भपात हुए बच्चे हाथ लाना है। तो जे जेर नहीं पई तो आप डॉक्टरी सलाह लेके ही जेर कढ़ानी है। तो फिर उस जेर विच ते तुए हुए बच्चे विच जड़े जरासीम होंगे भरपूर मात्रा में होंगे फिर उन्होंने सही ढंग नाल या तो एक टोआ पुट के उन्होंने उत्थे दबा दो चूना पा के या उसनू साड़ दो। सो सही तरह नाल उसका निपटारा करो तो जिथे वो सारा गंदगी है उसनू चंगी तरह डिसइनफेक्टेंट धो नाल साफ। सो जे किसी भी पशु पालक वीरे दा वीर का सीधा संपर्क हो जाता है एहो जी प्रॉब्लम नाल जे उसकी चमड़ी ते किसी भी तरह का कट है तो उसने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिया तो ब्रूसेलोसिस के जरासीम अपनी बॉडी के भी प्रवेश कर सकते हैं। मनुखों में ब्रूसेलोसिस के की लक्षण हैं? सब तो पहला तो तेज बुखार आता है असं उन्होंने अंडूलेंट फीवर कहने हाँ। अंडूलेंट मतलब वह वेव्स के आता है। सवेरे बुखार ठीक हो जाता है बट शाम को बुखार चढ़ता है। सुते समय त्रेलियां आंदियां हैं जोड़ों के दर्द होता है तो इतों तक के जी प्रजनन शक्ति है वह भी घट सकती है और पतालुओं में सोज आ जाती है। तो जे यहोजा कोई भी सिमटम आता है तो तुम अपने पशुओं का या अपनी गुरु अंगद देव वैटनरी अते एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी विच खून का सैंपल देके जांच करवा सकते हो। इत्थे साडी यूनिवर्सिटी विच वैटनरी माइक्रोबायोलॉजी विभाग के पशुओं की ब्रूसेलोसिस वास्ते जांच की जाती है अते डिपार्टमेंट ऑफ वैटनरी पब्लिक हेल्थ जिन्हों सेंटर फॉर वन हेल्थ के नाम नाल भी जाने जाता है उत्थे ब्रूसेलोसिस की मनुखों में जांच असी करते हाँ। तो तुसी आप आ सकते हो या अपना सीरम सैंपल सानू भेज के फिर तुसी ब्रूसेलोसिस की साडे को रिपोर्ट लै सकते हो। सो ब्रूसेलोसिस की जांच वास्ते असी 300 रुपया लेंगे हाँ पर सैंपल। तो तुसी आके इहदे 2 टेस्ट लगते हैं। पहला तो असी एक मुढ़ला टेस्ट लाने हाँ तो जे वो टेस्ट नैगेटिव आए तो असी उत्थे ही रोक देंगे हाँ तो नैगेटिव रिपोर्ट दे देंगे हाँ। बट जे वो मुढ़ला टेस्ट पॉजिटिव आता है फिर असी एक और एडवांस टेस्ट लाने हाँ जिन्हों घट्टो घट 24 to 48 घंटे लगते हैं तो उस टेस्ट में असी जांच करते हाँ कि ब्रूसेलोसिस किन्ने लैवल तक है। एक वो टाइटर या एक लिमिट आ जाती है कि ब्रूसेलोसिस किन्ने लैवल तक है तो जे एक लैवल तो वध हो गए तो फिर असी उन्होंने डॉक्टर को जाने की सलाह देंगे हाँ तो जिदे नाल वो एंटीबायोटिक खा के अपने आप को ट्रीट करा सकते हैं। सो मैं नाल ही थोड़ा ये दसना चाहूँगी कि ब्रूसेलोसिस की रोकथाम पशुओं में करने लई तुसी अपनी कट्टियां ते बच्चियां केवल कट्टियां ते बच्चियां नूं 4 to 8 महीने की उम्र में ब्रूसेलोसिस का टीकाकरण करवाओ ब्रूसेला वैक्सीन लवाओ डॉक्टरी सलाह लैके। ये वैक्सीन केवल कट्टियां ते बच्चियां च कीती जांदी है कटरुआं ते वजरुआं विच नहीं। धन्यवाद।